students, welcome to class 9 and today we are going to start our new chapter of the history portion, chapter number 1, part number 1, the French Revolution 1789. Before the in our previous class, we already completed our two chapters of the geography portion, the size and the location and the physical features of India. Students, in our today's class, we are going to discuss the history of the world table, which is related to France, known as the French Revolution. Okay? अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो लास्ट जो क्लासेस थी वहां पर आपने ओनली इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ही चीजें पढ़ी थी बेसिकली, लेकिन आज से आप हिस्ट्री के पोर्शन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उसमें आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, द रिवॉल्यूशन ऑफ द रशिया के बारे में, और फिर हम कहीं जाके आएंगे इंडिया की तरफ. तो आपका जो बेसिक नॉलेज है स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को ही जाना है, लेकिन आज से आपकी जो 9th क्लास की हिस्ट्री है, इन दिस पोर्शन यू आर गोइंग टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू द फ्रांस. आफ्टर दैट वी डिस्कस द रशियन रिवॉल्यूशन ऑल्सो. सो मेक इट डिसाइड, या ये समझ लीजिए, आप अपने माइंड में ये सेट बना लीजिए कि आपकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है उससे हम लोग कहीं अलग जा रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल पर पढ़ने वाले हैं. आपकी जो बुक्स है वो NCERT से रिलेटेड जो नया सिलेबस था वो आपके इस साल जो है अप्लाई हो चुका है, इसीलिए अब जो हम पढ़ेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होगा. इसका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा आपके हाई होगा और कई सारी चीजें जो है वो अननोन होगी. तो आप अननोन चीजों से नोन थिंग्स की तरफ जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बिल्कुल अलग आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में. बहुत कुछ नया है जो आपकी पिछली स्टडी, आपके क्लास 8 की स्टडी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है शुरुआती दौर में आपको इन क्लासेस के अंदर चीजों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे यकीन है अगर आप मेरी वीडियो को ढंग से देखेंगे, समझेंगे जो मैं बोल रही हूँ उसको आप समझेंगे, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी है. टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉलेज जो है वो बिल्कुल नहीं है आपके लिए. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ द हिस्ट्री पोर्शन, पार्ट नंबर 1 ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी स्टार्ट विद द ओनली इंट्रोडक्शन इन अवर टुडेज क्लास. वी नो द सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द टॉपिक. हम लोग पहले सोशल कंडीशन फ्रांस की क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, वहाँ का मोनार्क सिस्टम कैसा था, राजतंत्र कैसा था, कैसे वहाँ के रूलर्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण रिवॉल्यूशन हुआ. तो सबसे पहले बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड रिवॉल्यूशन. What is revolution? क्या होता है revolution? When the people gathered against the ruler or a bad system of the administration is called revolution. Simple सा अगर मैं कहूँ, revolution का meaning होता है विद्रोह कर देना, किसी के खिलाफ हो जाना. ठीक है, तो ये होती है revolution. हिंदी में कहते हैं क्रांति कर देना, क्रांति. ठीक है, ये word आप लोग कई बार सुन चुके हैं और जानते भी हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फ्रांस की क्रांति की. जैसे आप लोगों ने 1857 का रिवॉल्यूशन अपनी क्लास 8 के अंदर पढ़ रखा है, उसी तरह से जो इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट भी कहलाता है, इसी तरह से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. यहाँ की आजादी की बात कर रहे हैं. आजादी किससे? आजादी खुद के देश के ही राजा से, खुद के ही एडमिनिस्ट्रेटिव मोनार्क सिस्टम से आजादी को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो पहली चीज बच्चों जो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में. फ्रांस में क्रांति हुई राजा के खिलाफ, पूरी फ्रांस की जनता जो है, जो वहाँ के सिटीजन है, वो एक साथ इकट्ठे हुए. राजा को महलों से निकाल दिया गया, बाद में इनको कैद कर दिया गया, राजा को फांसी
फांसी पर लटकाया गया खुलेआम, और लोग खुश हुए क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़े बुरे मोनार्च सिस्टम से आजादी मिल गई थी। साथ में ही हम लोग ये जानेंगे कि वर्ल्ड के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज नोन फॉर द थॉट ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी, द थॉट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। हम लोग जो ये दुनिया के अंदर आजादी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये सारे थॉट जो है दुनिया के सारे देशों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किए। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पर लोगों ने मांग की कि हमको इक्वलिटी दो, हम सब बराबर हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये इक्वल नहीं थे, सोसाइटी में ऐसा क्या था कि ऊंच नीच थी। हम लोग देखते हैं इंडियन सोसाइटी में भी अनटचेबिलिटी आपको बच्चों देखने को मिलेगी, भेदभाव देखने को मिलेगा, कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जाति के नाम पर धर्म के नाम पर हम लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी को ऊंची जाति का कहते हैं, किसी को हम बहुत ही लोअर कास्ट कह देते हैं। तो ऐसा कुछ सोशल सिस्टम हम पढ़ेंगे। दूसरा हम बात करेंगे फ्रीडम के बारे में। तो ये जो इक्वालिटी और फ्रीडम पे जो थिंकिंग है, ये दुनिया में सबसे पहले ये जो स्लोगन था, ये जो थॉट था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल कर आया था। तो ये समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में स्पेशल था, क्योंकि जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ से ये दो थॉट निकलकर आए, इक्वालिटी और फ्रीडम का। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही दुनिया के बाकी देशों में भी धीरे धीरे रिवॉल्यूशन शुरू हो गए, आजादी मांगने लगे सारे देश। आपको बच्चों पता होगा हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री खुद भी कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुकी है, देश जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम रह चुका है। इसलिए इसी तरह से देखिए एशिया की लगभग सारी कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लीजिए, साउथ अमेरिका की बात कर लीजिए, अफ्रीका की बात कर लीजिए, यहाँ के सारे देश किसी समय में यूरोपियन कंट्रीज के गुलाम रहे। ये सारे देश यूरोपियंस की कॉलोनी में कन्वर्ट थे, मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, फ्रेंच का, डचीज का, पुर्तगालीज का राज था, जिसे बाद में हटाया गया है, लोगों को अपने देश से, ये बाहरी लोगों को भगा दिया गया। तो ऐसी ये जो रिवॉल्यूशन है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहूंगी कि यहाँ पर हम जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग दो चीजों की डिमांड कर रहे थे, इक्वालिटी और फ्रीडम की। तो इक्वालिटी किस चीज की? तो पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बच्चों इंट्रोडक्शन आपको इनकी सोसाइटी का दे देना चाहती हूँ। बेसिकली फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड। शुरुआती तौर से ही, बहुत पहले से हम लोग अगर बात करें मिडिल एज से, तो फ्रेंच जो सोसाइटी थी, यहाँ का जो समाज था, वो थ्री लेवल पर डिवाइड था। सबसे ऊपर वाला जो लेवल था, इन थ्री लेवल को एस्टेट कहते थे। क्या कहते थे? एस्टेट, ESTATE, स्टेट नहीं, एस्टेट कहते थे, ठीक है। तो ये थ्री एस्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट जो स्टेट था वो था, जो हम लोग आगे बात करेंगे, क्लेरी, जिसको कहते हैं चर्च। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती थी, राजा के बाद सेकंड नंबर पर आता था चर्च, और जो चर्च था उसी को यहाँ पर क्लेरी कहा गया, जो कि सारे डिसीजन लेता था। ये कह सकते हैं कि राजा पर, फ्रांस के किंग पर चर्च का पूरा पूरा प्रभाव था। सेकेंड लेवल पर चर्च से ये क्लेरी से सेकेंड लेवल पर आती थी नोबिलिटी। अब यहाँ नोबिलिटी का मतलब है अमीर लोग, वे अमीर लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वे अमीर लोग जिनका किंग पर या रॉयल फैमिली पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता था। और थर्ड जो थे वो थे थर्ड एस्टेट, जिसमें बिजनेसमैन, पीसेंट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशियन, रिच पीपल, ये सारे लोग, लैंडलेस जो लेबर्स होते थे वो, सर्वेंट, ये सारे लोग आते थे थर्ड एस्टेट पर। तो आप लोग बच्चों ये देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वेदास में, या हमने वैदिक टाइम पीरियड आप लोगों ने पढ़ा है, वैदिक टाइम पीरियड में भारत का जो कल्चर था या जो सोसाइटी थी वो थ्री लेवल में डिवाइड थी, नहीं सॉरी फोर लेवल में। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उससे नीचे होते थे क्षत्रिय, फिर होते थे वैश्यास, एंड फिर होते थे शूद्रास। सबसे खराब स्थिति थी इंडियन सोसाइटी में शूद्रास की। इसी तरह से अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, फ्रांस की सोसाइटी की बात करें बच्चों, तो यहाँ ध्यान दिए दीजिएगा
सोसाइटी या ये तीन लेवल पे डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट जिसको क्लैरिटी या चर्च कहते थे, सेकंड ऐसे जिसे नोबेलिटी या अमीर लोग कहा गया, और सबसे बुरी हालत जो थी वो इन लोगों की जिसमें आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर। और देखिए बच्चों, थर्ड स्टेट में भी तीन लेवल है। थर्ड स्टेट में ये लोग सबसे अच्छे माने जाते थे। थर्ड स्टेट नॉर्मली आप समझ लीजिए जनता, जिसे हम जनता कह सकते हैं, सिटीजन, नॉर्मल ऑर्डिनरी हम जैसे लोग जो हैं वो थर्ड स्टेट में आते थे, जिसमें इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। थर्ड स्टेट में इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, जो मर्चेंट होते थे वो आते थे, कोर्ट ऑफिशियल आते थे, लॉयर्स आते थे। इससे लोअर लेवल पर आते थे पीसेंट एंड आर्टिशियन। पीसेंट का मतलब होता है किसान, और आर्टिशियन से बात करें तो यहाँ पर जो फर्नीचर का या आयरन वर्क या गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, सोनार, लोहार, बढ़ई, कुमार, ये सब जो है वो आर्टिशियन में आते थे। और सबसे ज्यादा हालत जो खराब थी वो थी इनकी स्मॉल पीसेंट, बहुत छोटे कह सकते हैं कि किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, जो इन नोबेलिस्ट जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनकी जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, इन लोगों की सेवा करते थे, नौकरों की तरह काम करते थे, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं मिलता था। फिर आता था लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबरर्स मतलब ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी, तो ऑब्वियसली अगर जमीन होती तो खेती करते, लेकिन जमीन नहीं थी तो ये क्या थे, मजदूर थे। और लास्ट आ गया सर्वेंट, नौकर, जो इन बाकी लोगों की सर्विस करते थे या इनके अंडर में सेवा करते थे, इनके घर में काम करते थे, इनके फार्म हाउस में काम करते थे। तो जब सोसाइटी के अंदर इंसान बट जाता है तो आप सोच सकते हैं कि इनइक्वालिटी आ जाएगी, भेदभाव होगा, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सोशल जो यहाँ की सोसाइटी थी उसकी बात। अब हम बात करते हैं चैप्टर में क्या है, तो जान लेते हैं यहाँ का रूलर कौन था, और जब ये रूलर बना तो इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन 1774 द लुईस 16, ये लिखा है मैंने 16, लुईस 16 ऑफ द बर्बोन फैमिली बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 21 ईयर। 21 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बने थे लुईस 16, जो बर्बोन फैमिली के थे, मतलब इनके वंश का नाम था बर्बोन। ठीक है, सेकंड थिंग, ही मैरिड विद अ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। इन्होंने बाद में शादी की जो ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रही बच्चों, ऑस्ट्रिया फ्रांस के पास ही एक कंट्री थी, वहां की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट। ठीक है ना, एंटोनिएट नाम था, मैरी एंटोनिएट जो थी वो लुईस की वाइफ थी, और इस मैरी एंटोनिएट का बहुत बड़ा हाथ था, या ये कह सकते हैं कि जो लुईस 16 था ये वही काम करता था जो ये इसकी वाइफ कहती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब फ्रांस के अंदर ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उस समय वहाँ का रूलर कौन था, लुईस 16 था, इसकी वाइफ कौन थी, तो वो थी मैरी एंटोनिएट, जिसका पूरा प्रभाव था लुईस 16 पर। ठीक है, इसके बाद करें व्हेन लुईस 16 बिकम रूलर द ट्रेजर वाज एम्प्टी ड्यू टू। अब यहाँ पर देखें, जब ये राजा बना तो इसका खजाना पूरा खाली था। अब आप सोचिए, एक राजा, वो भी फ्रांस का राजा, बड़े बड़े महल, शान और शौकत, लग्जरी वाली लाइफ, ठीक है, बहुत ही आराम वाली लाइफ, लेकिन अगर ट्रेजर में पैसा नहीं हो तो अपने शौक कैसे पूरे करेंगे, अपनी कोर्ट की नींद को कैसा पूरा करेंगे, अपने स्टेट को कैसे चलाएंगे, पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रॉब्लम थी लुईस 16 के सामने, दैट द ट्रेजर वॉज एम्प्टी, खजाना खाली था। अब ये ट्रेजर एम्प्टी क्यों था, इसके थ्री रीजंस थे बच्चों, देखे आप, द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। सबसे पहली बात कि लुईस 16 जब राजा बने उससे पहले फ्रांस कंटिन्यू कई सालों तक ऑस्ट्रिया, प्रशा, इटली और इन सारी कंट्रीज के साथ जो है कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था, लंबे समय तक ये जो है वॉर में इन्वॉल्व था, लड़ाइयाँ चल रही थी। और आप सोच सकते हैं कि जब कोई कंट्री कंटिन्यूटी में अगर बड़े लेवल पर युद्ध कर रही है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री की इकोनॉमी
बहुत बड़ी आर्मी रखोगे तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेंटेन करोगे तो सैलरी भी देनी पड़ेगी सोल्जर्स को, फिर आप वेपन्स भी चाहिए तो वेपन्स के लिए भी पैसा चाहिए, फिर जो सोल्जर्स वहाँ पर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके खाने पीने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बहुत ही लंबे वॉर के कारण इनका खजाना जो है खाली हो गया, पहला कारण। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग फोर्ट, शाही दरबार ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया में फ्रांस का जो शाही दरबार है, और जो फ्रांस जो है यहाँ की जो कैपिटल सिटी है पेरिस, यहाँ का जो बेस्टिल फोर्ट है जो राजा के शान शौकत का ये कह सकते हैं कि नमूना जीता जाता एग्जाम्पल माना जाता है, दुनिया में सबसे रिच कोर्ट माना जाता है फ्रांस का, ठीक है। तो यहाँ की शान शौकत में खूब सारा पैसा जो है खर्च हो गया था। तीसरा कारण था मेंटेनिंग पैलेस ऑफ द वर्साई, ये जो वर्साई है ये फ्रांस का फोर्ट है, किला है, पैलेस मतलब महल, फ्रांस के जो रूलर होते थे वो इन्हीं वर्साई के महलों में रहते थे, और इन महलों की अगर हम बात करें बच्चों आप ही गूगल पर सर्च करना द पैलेस ऑफ वर्साई, यहाँ की शान और शौकत पूरी दुनिया में फेमस है, और इसी शान और शौकत के चक्कर में एक लग्जीरियस लाइफ के चक्कर में ये तीन रीजन है जिसके कारण फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक रूलर बना है जस्ट अभी और उसके सामने पहली प्रॉब्लम ये आ गई कि इकोनॉमिकली ट्रेजर जो है पूरा खाली हो चुका है, ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो शुरू होती है द एम्प्टी ट्रेजर से, खाली खजाने से शुरू होती है कहानी बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एट द टाइम ऑफ लुईस फ्रांस एंड द 30 अमेरिकन कॉलोनीज गेट फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, अब ब्रिटेन वही है इंग्लैंड, वही ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत को भी कॉलोनी बना लिया था, कॉलोनी वर्ड आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, द एक ऐसी कह सकते हैं कि वीकर कंट्री जिस पर किसी पावरफुल कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल हो। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर अमेरिका में 13 कॉलोनीज बना रखी थी, और उस समय अमेरिका में 13 कॉलोनीज को फ्री कराने में ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ाने में जो है वो फ्रांस ने मदद की थी, लेकिन इसी मदद के चक्कर में पूरी तरह से ट्रेजर खाली हो गया, लेकिन साथ में फ्रांस के ऊपर 12 बिलियन लिब्रे का कर्ज जो है वो जो लोन है वो फ्रांस के ऊपर हो गया था। तो यहाँ पर जो सबसे भारी प्रॉब्लम थी क्या थी, 12 बिलियन लिब्रे डेट ऑन फ्रांस, यहाँ पर 10 बिलियन जो लिब्रेज है वो फ्रांस के ऊपर जो है कह सकते हैं कि लोन हो गया था, अपन कह सकते हैं कि इनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया था फ्रांस के ऊपर, कितना 12 बिलियन लिब्रेज का मतलब होता है बेटा लिब्रे यहाँ की जो है करेंसी है, जिस तरह इंडिया की करेंसी रुपया है उसी तरह से फ्रांस की जो करेंसी थी वो लिब्रे थी, तो लगभग 12 बिलियन लिब्रे का जो लोन था वो इनके सरकार के ऊपर हो गया। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, देखिए बच्चों वापस लुईस 16 जब रूलर बने फ्रांस के तो ट्रेजर खाली था, दूसरी प्रॉब्लम थी ऑलरेडी खूब सारा 12 बिलियन लिब्रे का लोन जो था वो लुईस के सर पर हो गया था, मतलब खूब सारा पैसा जो है वो कर्ज में डूब गया, ठीक है। एंड लेंडर्स चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पर जो लेंडर्स का मतलब जो उधार पैसा देते हैं वो लोग यहाँ पर इस पैसे पर 10% ब्याज या 10% इंटरेस्ट वसूल कर रहे थे, जिसके कारण लुईस 16 की हालत और ज़्यादा खराब हो गई, और यही रीज़न था जिसके कारण लुईस 16 को ये डिसीजन लेना पड़ा कि क्यों ना कंट्री में जितने टैक्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए, उनको इंक्रीज कर दिया जाए। अब आप सोचिए बच्चों कि अगर हमारी सरकार किसी भी चीज़ पर या हर चीज़ पर अगर टैक्स बढ़ा दे, बेसिकली वे चीज़ें जो हम लोग रोज काम लेते हैं, तो हमारी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, वो चीज़ जो 5 रुपए की है उसके बदले हमको 10 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ वी हैव टू पे, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा वी हैव टू पे, तो इससे क्या होगा जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हुआ। तो दूसरा रीज़न जो बना वो यही बना, टू मेनी आर्मी द कोर्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस यूनिवर्सिटी स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स, तो लुई 16 ने फैसला लिया कि अपने कोर्ट को मेंटेन करने के लिए अपने
गवर्नमेंट ऑफिस चलाने के लिए, जो फ्रांस में यूनिवर्सिटीज चल रही थी उनको चलाने के लिए, आर्मी जो इनकी बड़ी सी सेना इनके पास थी उनको मेंटेन करने के लिए लुई 16 ने टैक्स इंक्रीज कर दिए फ्रांस के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 18वीं सेंचुरी द फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट। 18वीं सेंचुरी से पहले तक या 18वीं सेंचुरी तक फ्रांस सोसाइटी जो फ्रेंच सोसाइटी वो थ्री एस्टेट में डिवाइड थी, जो मैंने आपको अभी ही पहले ही समझा दी है कि पूरा समाज जो है वो तीन भागों में बंट चुका था। ठीक है, बढ़ाए थे ये यहाँ पर ये सारे लोग नहीं दे रहे, ये टैक्स कौन है, सिर्फ ये लोग दे रहे। कौन कौन? बिग बिजनेसमैन टैक्स देंगे, मर्चेंट्स देंगे, पोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीसेंट, आर्टिशियन, स्मॉल पीसेंट, लैंड लवर, लेस लेबर्स और सर्वेंट, इन सबको देना था टैक्स। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं और जो ये चर्च के जो बड़े बड़े जो चर्च के फादर थे जिनको पोप कहा जाता था, ये टैक्स फ्री थे। और यही हो गई इनइक्वालिटी, भेदभाव कर दिया लुई 16 ने। देखे यहाँ पर द एस्टेट वाज द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम फ्रॉम द मिडिल एज। अभी एस्टेट का सिस्टम जो है मिडिल एज से, मैं बता ही चुकी हूँ, मिडिल एज से फ्रांस के अंदर चल रहा था। अब बच्चों वापस आते हैं सोसाइटी को, वापस बता देती हूँ फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, यहाँ का समाज थ्री लेवल में डिवाइड था। इन थ्री लेवल को नाम दिया गया फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्गी, मतलब चर्च, चर्च के जो पोप होते थे जिनको फादर कहते हैं अपन लोग। ठीक है, फ्रांस के जो चर्च है उनके जो सबसे सुप्रीम हेड होता था, रिलीजियस हेड, उसको पोप कहा जाता था। दूसरे नोबल्स या नोबिलिटी, मतलब अमीर लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। थर्ड एस्टेट में आते थे ये नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी लोग। ठीक है, अब ये लुई 16 जो टैक्स वसूल कर रहा था वो ना तो इससे कर रहा था ना लोकेलिटी से, ये सारे टैक्स सिर्फ इन लोगों से लिए जा रहे थे। और इसी कारण जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आप जानते हैं अभी एक वर्ड आएगा ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम क्या है? Used to describe the society and the institution of France before 1789 में French Revolution होगा, 1789 से पहले इस पूरे सिस्टम को ओल्ड रेजिम कहते थे। क्या कहते थे? ये जो एस्टेट वाला सिस्टम है इसको 1789 से पहले ओल्ड रेजिम कहा जाता था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पीसेंट कितने थे, परसेंट थे, और टैक्स कितना दिया जाता था, कौन कौन से टैक्स थे जो थर्ड एस्टेट से वसूल किए जा रहे थे। 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, फ्रांस के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 90% सारे लोग पीसेंट थे, किसान थे। ठीक है, एंड 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड द चर्च एंड द रिच पर्सन। अब फ्रांस की टोटल जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी, जितना भी जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, उस जमीन का 60% लैंड सीधा चर्च के पास और इन लोगों के पास, और कुछ जो रिच पीसेंट थे, अमीर किसान, अमीर लोग, और चर्च के पास था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पीसेंट थे उनके पास ओनली 30% लैंड थी, बाकी सारे के सारे पीसेंट लैंडलेस थे, मतलब जमीन नहीं थी। इसीलिए लोग इन नोबल्स के अंदर में, चर्च के अंदर में खेती बाड़ी करते थे और इनके जो फॉर्म हाउस थे उनके काम करते थे। ठीक है, जन्म से ही कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे, विशेष अधिकार। अब ये प्रिविलेज क्या था, ऐसा क्या था जो थर्ड एस्टेट को नहीं मिला था, वो था टू पे टैक्स, मतलब टैक्स नहीं देना। ये जितने भी टैक्स लगते थे वो सारे टैक्स थर्ड एस्टेट देती थी, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, और यही प्रिविलेज उनको जन्म से मिला हुआ था। नोबल्स जो है फेडरल ड्यूज which they extract from the peasant। अब नोबल्स जो थे, ये जो अमीर लोग थे, ये फेडरल ड्यूज वसूल करते थे, अपन जिसको कहते हैं लगान। छोटे छोटे गरीब जो किसान होते थे इनसे ये नोबल्स जो है पैसा वसूल करते थे, टैक्स कहते हैं जिसको, रेवेन्यू टैक्स कहते हैं या जिसको हम लगान कहते हैं। ये सारा पैसा है
ये लोग अपने पास रखते थे, अपनी लग्जीरियस लाइफ पे खर्च करते थे, बड़ी आराम वाली लाइफ पैसों से जीते थे, ठीक है। तो ये पैसा होता किसका था? पीसेंट का होता था, गरीब किसानों का होता था। चर्च एक्सटेंड द टैक्स टाइप। अब यहाँ पर आप बच्चों इंपॉर्टेंट टिप कर लीजिएगा, यहाँ हम लोग बात करेंगे टू टाइप ऑफ टैक्सेस विच वर एक्सटेंडेड फ्रॉम द पीसेंट। यहाँ वो ऐसे टैक्स की बात करेंगे जो किसानों से वसूले जाते थे। पहला टैक्स टाइप क्या है? टाइप है ये टैक्स जो है इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द पीसेंट ऑफ द थर्ड एस्टेट। चर्च थर्ड एस्टेट के लोगों से एक टैक्स वसूल करता था जिसे रिलीजियस टैक्स कहा गया। इसका नाम था टाइप। क्या था? टाइप नाम था। दूसरा टाइप क्या है? टाइप, ठीक है, ये भी एक टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स टेकन बाय स्टेट विच वर लेवेड ऑन सॉल्ट एंड पोटैटो। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। तो चर्च जो टैक्स वसूल करते थे उसे तो टाइप कहा गया, और सेकेंडली टाइप नाम का जो टैक्स था वो स्टेट मतलब राजा वसूल करता था पीसेंट से, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया। और ये डायरेक्ट टैक्स लगा किस पर? सॉल्ट पर और टोमेटो जैसी ऑर्डिनरी कॉमन चीजें जो हम अपनी लाइफ में लगभग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों आप देखिए सॉल्ट नमक बहुत सस्ता आता है। आज भी आप मार्केट में जाओ आपको 10 रुपीज किलो के हिसाब से नमक मिलेगा, लेकिन ये हमारे रूटीन की चीजें। अगर हम अपने रूटीन की चीजों पर, खाने की चीजों पर, अपनी ब्रेड पर, अपनी रोटी पर भी टैक्स देने लगेंगे तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था टाइल नाम का टैक्स जो नमक पर वसूला जाता था, साथ में अपनी लाइफ की जो रोज की चीजें जो ये लोग यूज करते थे उन गरीब लोगों से वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती, और उस पर भी आप अगर टैक्स वसूल कर रहे हो तो बेचारा गरीब इंसान क्या खाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस क्लास के अंदर जो फ्रेंच सोसाइटी, यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स, यहाँ का रूलर, टैक्स कौन कौन से थे, टैक्स क्यों बढ़ाए, ये सारा डिस्कस किया है। कल हम एक नए प्लेटफॉर्म के साथ एक नई शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनके मेन रीजन जानेंगे, कैसे ये रिवॉल्यूशन चला और इसका जो एंड है कैसे हुआ वो सब जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल वापस मिलते हैं।